मौसम कितना सुहाना चल रहा है अभी दोस्तों। हम लोग आज के समय में 2024 में 5G मोबाइल लेते हैं और 5G मोबाइल के साथ हमें 5G की सर्विसेज भी चाहिए होती हैं, तो दोनों के कम्बिनेशन से जो है 5G इंटरनेट जो है हमें मिलता है। तो हम जब भी परचेज़ करते हैं उसके बाद सिम डालते हैं इसमें। सिम डालने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है 5G नहीं आता है, LTE प्लस आता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं कनेक्शन में, और जहाँ फर्स्ट जो कनेक्शंस है कनेक्शन में जाकर हम मोबाइल नेटवर्क में जाते हैं। यहाँ पर नेटवर्क मोड है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सेट करते हैं 5G LTE वाले मोड पे ऑटो कनेक्शन। और कई बार क्या करते हैं कि हम एसेस पॉइंट जो है, जैसे यहाँ 4G आ रहा है तो यहाँ पर हम चलाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक और काम है कि हमारे एरिया में वो सर्विसेज है या नहीं है वो चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मैनुअल किया तो मुझे पता लग रहा है कि मेरे जो मोबाइल में से मैं जो जियो की 5G है, वोडाफोन, एयरटेल, सेलफोन, ये सारे एप्लीकेबल है 5G के लिए, ठीक है जी। तो उसके बाद भी क्या होता है कि यहाँ पर LTE आता है, मतलब 4G आता है, 5G नहीं आता है। आपको 100% श्योर है कि 5G आपके यहाँ पे एरिया में नेटवर्क है। और दूसरा क्या है कि एक और प्रॉब्लम आती है कि जब कई बार हम सिम निकाल के किसी और की सिम अपने मोबाइल में डालते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं सिम्स की, तो तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि पहले 5G आ रहा था उसके बाद 5G जो है हट गया। उसके लिए हमने सिंपल सा क्या करना है, ये सारी एक्टिविटी अगर आप करके आपका नहीं क्लियर होता, जैसे आपका जियो का भी आता है वेलकम का, एक आता है ना वेलकम, तो उसमें जाकर जो जियो की ऐप है उसमें वेलकम कर डालते हैं, ये आप कॉन्ग्रेट्स, आप 5G के लिए एप्लीकेबल हो, आप ये कर चेक करो, ये चेक करो, अपडेट चेक करो, वो सारा आता है। लेकिन उसके बाद भी नहीं होता है तो उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं ज़्यादा बड़ा गेम है। तो यहाँ जनरल मैनेजमेंट आता है मोबाइल में, ये देखिए जनरल मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको रीसेट पे क्लिक करना है। रीसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग। तो आप यहाँ पर जब सेटिंग पे करोगे तो ओके कर दोगे, और कोई सेटिंग को आपने छेड़ना नहीं, ना फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है, ना रीसेट एसेसिबिलिटी सेटिंग्स करना है, ना रीसेट वाईफाई और ब्लूटूथ सेटिंग करना है, ना रीसेट ऑल सेटिंग करना, सिर्फ एक करना है, रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग। ये करने के बाद जब आप दोबारा से रीस्टार्ट करोगे मोबाइल को तो आपका जो मोबाइल है यहाँ पर 5G शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप 5G की सर्विसेज इंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।